So in this chapter you will study about fiber and different fabrics, okay? So before starting this chapter we are going some introduction of this chapter. What is it? Okay, let's start. Paheli and Bujho won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. Okay, so there have a two student, that is Paheli and Bujho, who they won the prize, first prize in a science quiz competition that is held at their school. So they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. Okay, so when they saw a large variety of cloth material they got confused. अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब वो कपड़े खरीदने, दे वर गोइंग टू बाय क्लॉथ्स इन एनी शॉप, दे गॉट कन्फ्यूज्ड वाई द शॉप कीपर्स वाई बिकॉज दे सॉ मैनी क्लॉथ्स वराइटीज इन दैट शॉप. ओके, सो दे गेट कन्फ्यूज्ड एंड द शॉप कीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. ओके, सो यहाँ पर जो शॉपकीपर है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. कुछ जो फैब्रिक एंड जो कॉटन एंड जो कपड़े हैं वो क्या है, वो कॉटन के हैं और कुछ जो है वो सिंथेटिक हैं. ठीक है, सिंथेटिक मीन्स मेन मेड फैब्रिक. ओके, मेन मेड फैब्रिक हैं. देन ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर, और उन्होंने कहा कि ही ऑल्सो, उनके पास और क्या है, वुलन मफलर्स हैं एंड सॉल्स हैं. ठीक है, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और उनके पास बहुत सारे सिल्क साड़ीज भी हैं. देन पहेली एंड पूछो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. अब जो पहेली एंड पूछो है वो क्या फील कर रहे हैं, वेरी एक्साइटेड फील कर रहे हैं. दे टस्ट एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. फाइनली They bought a woolen muffler and a cotton साड़ी. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, they touched, उनने जो है वो सारे फैब्रिक्स को टच किया एंड फेल्ट किया कि वो जो फैब्रिक है वो बहुत ही डिफरेंट है ना, जिससे जो है अब उनने फाइनली डिसाइड किया कि उन्हें क्या लेना है. दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, और उनने जो है दोनों क्या लिए, एक मफलर, वुलन मफलर एंड एक साड़ी कॉटन की वो खरीदे और वहाँ से चले गए. एंड आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. दे फाउंड दैट बेड सीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक. ओके, सो यहाँ पर देखिए उनने क्या किया, जब वो घर जा रहे थे रिटर्न होते टाइम उनने जो है ऑब्जर्व किया कि उनके आसपास जो है बहुत सारे वैरायटी वैरायटी वाले फैब्रिक्स अवेलेबल हैं. ठीक है, जिनमें उन्होंने देखा कि कुछ कर्टन हैं, कुछ टेबल क्लॉथ्स हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ ब्लैंकेट्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें उनने देखा जो कि अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं, है ना. इवन देयर स्कूल बैग, यहाँ तक कि उनका जो स्कूल बैग है एंड दी गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और उनका जो बैग है वो भी डिफरेंट काइंड्स के, मतलब कुछ अलग प्रकार के जो फैब्रिक है उससे वो बने हुए हैं. ठीक है, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वुलन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. अब वो ट्राई कर रहे थे क्या करने की, उन्हें मैच करने की कि वो कॉटन है, वूल है, सिल्क है या फिर वो सिंथेटिक फाइबर है, ये वो मैच कर रहे थे. ठीक है, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, अब क्या आप भी यहाँ पर कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर एंड देयर मेकिंग प्रोसेस, हाउ दे मेक, और वी कैन से द वूल एंड सिल्क आर मेड सम फाइबर्स एंड द फाइबर बिकम फैब्रिक. ओके, और फैब्रिक और कैन से क्लॉथ्स. ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट
टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स की वैरायटी की बात करेंगे। अब सबसे पहले फैब्रिक की वैरायटी की बात करने से पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो फैब्रिक है वो जनरली हमारे क्या हैं, दो डिफरेंट सोर्सेस से हमें जो है ऑब्टेन करते हैं हमने, ठीक है, ऑब्टेन बाय डिफरेंट सोर्सेस। द फैब्रिक ऑब्टेंड बाय टू सोर्सेस, या फिर हम कहें ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्सेस। ओके, सो यहाँ पर हम कह दें से बाय ना करके हम कह दें फ्रॉम टू सोर्सेस, है ना, हो जाएगा फ्रॉम टू सोर्सेस। ओके, फ्रॉम टू सोर्सेस, व्हाट इज इट, दैट इज द फर्स्ट प्लांट सोर्स, देन सेकेंड इज एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स। ओके, सो ये दोनों हमारे क्या हैं, टू डिफरेंट सोर्सेस हैं जहाँ से हम जनरली फैब्रिक जो है वो ऑब्टेन और एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर हम कहें कि उन्हें यील्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी एक्टिविटी पहले हम रीड करते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है हमें, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अब हमें जो है एक टेलरिंग शॉप पर विजिट करना है, देन कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जैसे वो स्टिचिंग करते हैं उसके बाद जो फैब्रिक जो बचता है, जो छोटे छोटे क्लॉथ के टुकड़े बचते हैं उन्हें हमें कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, जो है उन सारे क्लॉथ्स के जो पीसेस हैं, जो फैब्रिक हैं, उन्हें हमें कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद हम जो है टेलर से हमें पूछना है कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वूल है, कौन सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक फैब्रिक है, ठीक है, और उन्हें जो है अलग अलग हमें लेबल करना है, ठीक। देन हमें क्या करना है, डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। अब ये किससे बने हुए हैं, वेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली वॉट डू यू नोटिस। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ना कि जो जितने भी जो पीसेस हैं फैब्रिक के वो कंटिन्यूसली जो है क्या है, वो अलग अलग पीस तो हैं लेकिन एक साथ जो पीस है वो उसके अंदर भी कुछ है, जब हम उसे क्लोजली देखेंगे तो उसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अब वो क्या है वो हमें ऑब्जर्व करना है। अब सेकेंड एक्टिविटी हम करते हैं फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। अब देखिए जो पीस हमने पहले कॉटन एज अ कॉटन हमने लेबल किया है उसे हमें सेलेक्ट करना है। देन नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, लूज़ करना है उसको, और लूज़ करने के बाद जो थ्रेड है उससे हमें उसके एक साइड से, किनारे से, एज से जो है हमें पुल आउट करना है, एक धागे को हमें जो है पुल आउट करना है। इफ़ नो लूज अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इफ़ यू नो इफ़ नो लूज यार्न आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ निडल। अब देखिए अगर हमारा जो पीस क्लॉथ पीस है वो अगर लूज़ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, एक पिन की हेल्प से हम उससे पुल आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं इस पिक्चर की तरह ही हमें उस यार्न को, जो धागा है उसे हमें पुल आउट करना है, ठीक। देन अब क्या हो रहा है, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ। अब देखिए हमने तो बात की क्लॉथ्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, डिफरेंट यार्न से, यार्न आर मेड टुगेदर एंड फॉर्म अ यार्न, फॉर्म अ क्लॉथ। ओके, तो यार्न क्या है, जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं यार्न टू यार्न, देन मेक अ क्लॉथ, ओके, पीस ऑफ क्लॉथ। एंड अब जो हमारा यार्न है हम उसकी बात करेंगे कि हमारा यार्न जो है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा फाइबर जिसे हम यार्न कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब हमें जो हमने यार्न को निकाल लिया है ना, अब उससे हम क्या करेंगे, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, हमें उसे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब एंड स्क्रेच द अदर एंड ऑन द यार्न
अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज सोन इन, जैसे देखिए यहाँ पर यह है इस तरह से हमें नेल से जो है रब करना है उसे टेबल में रख के, है ना। तो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इन टू थिन स्ट्रैंड्स। अब देखिए हम इस तरह से क्या करेंगे, उसे हम स्क्रैच करेंगे, तो स्क्रैच करने से जो क्या होगा उससे जो है छोटे छोटे बहुत ही थिन स्ट्रैंड्स वहाँ पर हमें विजिबल होंगे, ठीक है। तो स्प्लिट्स होंगे वहाँ, वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो है बहुत ही छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से ये जो है इसमें हमें क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब इन स्ट्रैंड से हमें जो है समझना है इसे, ठीक है। ये क्या है, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटिंग इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल एंड द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यार्न है उसको जब हम टेबल में रख के हम उसे स्क्रैच करेंगे, तो स्क्रैच करने से क्या होगा, उससे जो है छोटे छोटे स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे। अब उन स्ट्रैंड्स को जो है हम क्या कह रहे हैं, फाइबर कह रहे हैं। थिनर स्ट्रैंड्स आर मेड अप, सॉरी, जो हमारा यार्न है, यार्न आर मेड अप ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर, ठीक है। थिनर स्ट्रैंड को हम फाइबर कहते हैं, जो कि आगे मिलकर के क्या बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं, ठीक। तो इससे जो है हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम घरों में देखे होंगे जो निडल है उसमें जब हम धागा डालते हैं तो निडल की जो आई है उससे जब हम धागा डालते हैं तो हमारा जो धागा है कभी कभी वो डिफरेंट स्ट्रैंड में अलग होता है ना। देखे होंगे एक धागा है, धागे से भी दो अलग अलग वहाँ पर जो है क्या है स्ट्रैंड्स वहाँ पर निकल रहे हैं, जिससे जो है हम स्ट्रैंड्स के थ्रू जो है हम निडल में वहाँ हम पास नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो वो क्या है, वो कुछ नहीं बल्कि वो फाइबर है, ठीक है। एंड फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, ठीक है। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब देखिए ये तो हमने बात कर ली कि जो फैब्रिक है वो किससे बने होते हैं, यार्न से बने होते हैं, मतलब फैब्रिक यानी कि हमारे क्लॉथ जो है यार्न से बने होते हैं। देन यार्न मेड अप ऑफ फाइबर्स, ठीक है, इससे बने होते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, जैसे हमने पहले बताया था कि डिफरेंट सोर्सेस हैं जिनसे हम जो है फैब्रिक यील्ड करते हैं, तो वो कौन से सोर्सेस हैं, वो हैं दैट इज़ दी प्लांट सोर्सेस देन एनिमल सोर्सेस, ओके। तो उन्हीं की हम यहाँ बात करेंगे। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. These are called natural fiber. ठीक है, जो fabrics generally जो cotton, jute, silk and wool है are obtained from plants and animals. That is called natural fiber. ठीक है, then cotton and jute are example of fibers obtained from plants. अब देखिए कॉटन एंड जूट जो है हमारे वो प्लांट से ऑप्टन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर, ठीक है। एंड वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑप्टन फ्रॉम एनिमल, जिसे हम कह रहे हैं एनिमल फाइबर। वूल इज़ अ ऑप्टन फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ सीप और गोट, ठीक है, जो हमारा गोट है और सिप है उसके फ्लीस यानी कि वो जो उसके फीडर्स होंगे फर हैं उनसे जो है हम ऑप्टन करते हैं वूल को, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो ऑप्टन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर कहाँ से ऑप्टन होता है, वो कोकून से, सिल्क वॉर्म का जो कोकून है उससे वो मिलता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली अलग अलग, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम इसकी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।